मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जिले की जनता की रक्षा करने वाले पुलिस महकमे के वीर कोरोना योद्धाओं को आज से वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया गया है। पहले चरण में सबसे पहले पुलिस कप्तान एसपी विवेक अग्रवाल को टीका लगाया गया। इसके बाद सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया गया। बता दें कि पुलिस महकमे के तकरीबन 2100 अधिकारी कर्मचारियों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस महकमे के 1400 और एसएएफ के 700 जवान शामिल हैं। पुलिस कर्मियों को ये वैक्सीन 4 चरणों में 8, 10, 11 व 13 फरवरी को लगाई जाएगी। पहला चरण आज छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ किया गया, जिसमें शुरुआत में पुलिस कप्तान को वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद उन्हें आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। उन्होंने बताया कि ये टीका कोविड-19 से बचाव के लिए है। टीका लगाने के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस बल के साथ आम जनता से भी अपील की है कि वे इस बीमारी से बचाव के लिए टीके लगवाएं। उनके बाद पुलिस विभाग के आरआई कोतवाली, टीआई और देहात थाना टीआई सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने टीके लगवाए। इधर प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर सुशील राठी ने बताया कि महामारी के दौरान पुलिस विभाग के वीर कोरोना योद्धाओं ने 24 घंटे जिले की जनता की रक्षा की है, इसलिए उन्हें सुरक्षित करने के लिए 4 चरणों में टीके लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से राजेश दीक्षित की रिपोर्ट। सर, कैसा महसूस हो रहा टीका लगने के बाद? आज मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही आसान है। बहुत ही सुविधापूर्ण वातावरण में डॉक्टर्स की पूरी टीम वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है और ये बहुत ही असरदारक भी है। सभी लोग जब भी उनका क्रम आए अपना वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। अभी आपको कैसा लग रहा टीका लगने के बाद? वैक्सीनेशन के बाद कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि आज हमने वैक्सीनेशन करवाया है। सर बताएं, आज 6-8 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर का कोरोना वैक्सीनेशन चालू हुआ है। 8, 10, 11 और 13 चार दिन इनका वैक्सीनेशन चलेगा। रफ करीब 7000 के ऊपर वर्कर्स हैं जिनका होना है। आज हमारे जिले के एसपी महोदय उनका वैक्सीनेशन हुआ है और हो सकता है कि आज हमारे कलेक्टर साहब का आज या फिर परसों वैक्सीनेशन होगा। साथ ही जो है अन्य पुलिस कर्मियों का भी वैक्सीनेशन आज प्रारंभ हो चुका है। पूरे ज़िले में करीब 22 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे वैक्सीनेशन होगा 22 से 25 दिन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.